जय भोलेनाथ दोस्तों, आज सैटरडे है और 30 जुलाई है। अब आपको पता है जुलाई का मंथ और जुलाई की सीरीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अब हम जब खुलेंगे मंडे को वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। और अब मैं पूरी फॉर्म में मार्केट में आ चुका हूँ, क्योंकि पिछले एक वीक से मैं पूरा डिस्टर्ब था। आपको पता है मैं कोई भी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, ना मैं मार्केट को देख पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल में थोड़ा बहुत देख रहा था, लेकिन इट वॉज नॉट क्लियरली कि मैं उस पर फोकस नहीं कर पा रहा था। नाउ मेरे जितने भी पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनको भी सॉरी बोल रहा हूँ, 5-6 दिन के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन अब आप इतना पैसा कमाओगे मेरे व्यूज से, यू कांट इमेजिन ऑल्सो। ठीक है, डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब आ जाइए, सबसे पहले हम लोग निफ्टी का बात कर लेते हैं। ये सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है, मंथ भी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए, निफ्टी ने एक अनोखा चीज़ किया है कि 4 गैप अप कंटिन्यूसली मेंटेन किया है। अब देखिए, यहाँ गैप डाउन की सीरीज़ भी देखते हैं हम। 1 गैप डाउन, ठीक है, 2 गैप डाउन, 3 गैप डाउन के बाद ये गैप फिलअप हो रहे हैं। एक गैप डाउन बचा हुआ है 442। नीचे का लेवल क्या खुल रहा है आपको दिमाग खराब हो जाएगा, 15,500 के लेवल खुल रहे नीचे के लिए। ठीक है, ये हो गया ब्रेकआउट लेवल 16,980-90 के बाद ये ब्रेकआउट है। इनफैक्ट ये 16,850 के बाद एक ब्रेकआउट मारा है, अब यहाँ पे रिटेस्ट होगा तो यहाँ है। अब नीचे में कहाँ तक आ सकते हैं निफ्टी, पहला टारगेट आता है 16,200। आप दिख रहे हो मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ये अपने आप लाइन टान के किया हूँ। 16,200 पहला टारगेट आ रहा है, दूसरा टारगेट आ रहा है, अगर दूसरा और एक टारगेट निकालूंगा तो इससे एक लाइन और बनेगी 15,800 और उसके बाद 15,500। ऊपर में कहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला गैप 17,450। ठीक है, ये ऊपर का हाईएस्ट लेवल है, जो उसके ऊपर मैं 17,450 या 500 से ऊपर मैं किसी भी हालत में नहीं देख रहा हूँ निफ्टी को, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। ठीक है, ऑलरेडी हम 173 पे पहुँचे, फ्राइडे का हाई क्या बनाया 17,173, 172.80। अब ये लेवल जो मैंने आपको उसी दिन बता दिया कि 16,800 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, क्लोज करते ही आप देख लीजिएगा। तो कैसे निकाला था मैंने, ये देखिए, ये जो रिसेंट फॉल आई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फॉल आई थी, इस फॉल का टोटल था, मैं सिखा देता हूँ आपको, 16,793। देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं 15,183, ये होता 1,610 पॉइंट्स। ये फॉल आई थी 17 जून को, एक एक चीज़ आपको मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ। 17 जून को लो बना था 15,183। ठीक है, कहाँ से गिरा था मार्केट, 16,000 ये वाला टॉप से, ये वाले टॉप से, देखिए दिस टॉप से 16,793। और जैसे ही उस दिन थर्सडे को मैंने बोला था इसको पार करेगा तो आपको पहला टारगेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिकवर किया तो 123.6%, इसका 123.6%
1610 का 123.26% कितना होता है? 1989.96, यहां पे लिख देते हैं 1610 पॉइंट जो गिरा उसका पहले आप निकाल लीजिए 123.6%, ठीक है, ये आ जाएगा फिगर 1989.96। इसको आप जोड़ दीजिए 15183, 15183 जो लो बना था, तो ये दोनों को जोड़ोगे आप तो टारगेट आएगा 17172.96। और आपके सामने हाई क्या है, कल का हाई क्या है, ये देखिए कल का हाई क्या है, यहाँ पे हाई दिखेगा आपको, इस जगह हाई दिखेगा, क्या आया 17172.80, और मेरा क्या निकल रहा है 17172.96। डॉट टू डॉट आपको बताया गया कि नहीं, डॉट टू डॉट इतना तो आएगा ही, डॉट टू डॉट। अब इतना आके जब तक इस 173 के ऊपर क्लोज नहीं करता अगला वाला टारगेट नहीं खुलेगा। अब अगला टारगेट कैसे निकालते हैं ये भी सीख लीजिए आज आप लोग, अगला टारगेट कैसे निकलेगा 1610, पहला हमने क्या निकाला 123.6%, अब क्या निकालेंगे 1610 इंटू 138.2%, ठीक है 1610 इंटू 138.2% ये होता है 2225.02। इसमें ऐड करना है 15183, ये टारगेट आता है 17408.02, ठीक है। तो अगला टारगेट इसका 17408 आएगा और ये फाइनल टारगेट रहेगा, इससे 10-20-50 पॉइंट ऊपर जा सकता है, जो मैंने आपको बोला ये गैप को फिलअप करने के लिए 442 वाला गैप, ठीक है। ये गैप कब बना हुआ था याद है आपको, ये गैप बना हुआ है 457 का गैप है, 457 ये गैप बना हुआ 13 अप्रैल 2022 को, अभी तक फिलअप नहीं हुआ, 13 अप्रैल 2022 का गैप है, ये फाइनल टारगेट हो सकता है निफ्टी का अगर गया तो, और ऐसा भी हो सकता है इसको फिलअप किए बिना ही। तो अब हमको तेजी कब करनी है, अगर 17173 के ऊपर क्लोज करेगा तब तेजी करनी है, अगर 17173 के ऊपर क्लोज करेगा तब तेजी करनी है। कितने लिए, ज़्यादा नहीं है, जो लोग कमजोर हृदय के वो तेजी भी मत करिए, थोड़े दिन चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है। कितने के लिए, 17408 जो इसका लेवल है टू 17460, 60 क्यों, क्योंकि गैप फिलअप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद मैं अगस्त सीरीज को एक वर्स्ट सीरीज के लिए बोलूंगा, वर्स्ट सीरीज ऑफ दिस ईयर अगर अगस्त होगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज। अभी 1 अगस्त चालू नहीं हुआ है, सीरीज चालू हो गई कल, सीरीज तो आपकी कल चालू हो गई, लेकिन अगस्त मंथ जो है मंथ, ये वर्स्ट मंथ ऑफ द 2022 होगा, ये मैं आपको दिखा दूंगा, साबित करके दिखा दूंगा, और मुझे डाउट नहीं है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर हम 15500 भी इस सीरीज में आ जाए, इस मंथ में आ जाए, मंथ में सॉरी सीरीज मत गिनेगा, मंथ यानी कि 31 अगस्त तक हम 15500 भी आ जाए। अगर मैं इतना बियरिश हूँ तो आपको करना क्या चाहिए, 16500 या 16600 के सितंबर के पुट ले लेने चाहिए, किसके लेने चाहिए, सितंबर के 16500 या 16600 के या 17000 के पुट ले लेने चाहिए सितंबर के। क्यों, क्योंकि मैं मंथ की बात कर रहा हूँ, सीरीज तो 25 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मंथ तो बड़ा है, अगस्त का मंथ कहाँ तक है, अगस्त का मंथ में
25 तारीख के बाद भी तो ट्रेडिंग है, 26 को है, 29 को है, 30 को है, 31 को है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद भी 4 ट्रेडिंग डेज बचे हैं इसमें। तो ये महीना मुझे लगता है आपको 1500 से 2000 पॉइंट का करेक्शन होगा जो भी टॉप बनेगा इस मंथ का उससे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिए, अब इतना तो आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए हम थोड़ा मंथली चार्ट पे जाते हैं। क्योंकि मंथ भी खत्म हो गया कल, क्योंकि मंथ में अब एक भी दिन नहीं बचा है, मंथली भी कल क्लोजिंग आ गई। तो ये मंथ की कितनी जबरदस्त क्लोजिंग आई, ये क्या दिखा रहा है कि हम यहां कहीं जा सकते हैं इस मंथ में। बहुत ही जबरदस्त बुलिश कैंडल बना। अब इसके रिवर्सल देखिए, ये मंथ जब स्टार्ट हुआ था तो यहां पे स्टार्ट हुआ था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जगह स्टार्ट हुआ था। इस मंथ की ओपनिंग क्या थी, मंथ की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज की नहीं, मंथ मतलब एक तारीख से 15703 की ओपनिंग थी। कितनी, 15703 की मंथली ओपनिंग थी, यानी कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रास रूटर्स। जो डाउन टू अर्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रास रूटर्स, जो धरती से जुड़े हुए हैं, जिनकी रूट्स धरती से जुड़ी हुई है, उनको क्या बोलते हैं, ग्रास रूटर्स। तो ये सीरीज स्टार्ट हुई थी ग्रास रूटर के हिसाब से, ये मंथ, सॉरी सीरीज का मतलब आप लोग गड़बड़ नहीं हो जाइए, सीरीज तो कल ही स्टार्ट हो गई अगस्त की, लेकिन मंथ तो एक तारीख से स्टार्ट होगा। तो मैं कैलेंडर मंथ की बात कर रहा हूँ, ये मंथ स्टार्ट हुआ था किससे, 15703 एक ग्रास रूटर लेवल से, और पैराशूट बन के दिखा दिया। क्या बना, क्या बन गया, दिस मंथ ऑफ जुलाई स्टार्टेड एज ए ग्रास रूटर एंड एंडेड एज ए पैराशूटर। ठीक है, पैराशूटर, पैराशूट तो आप लोग समझते हो ना, जो कभी प्लेन में भी इमरजेंसी आ जाए तो आपके लिए पैराशूट दिया जाता है, भले ही आप बचे या नहीं बचे, लेकिन बोलते हैं आपकी सेफ्टी है। ठीक है, तो पैराशूट क्या करता है दोस्तों, नीचे लाता कि नहीं, पैराशूट क्या आपको और ऊपर ले जाता है। तो जो लोग धरती से जुड़े हैं वो हमेशा ऊपर की ओर देखते हैं, क्योंकि उनको और नीचे जाने की जगह ही नहीं है। जो लोग गरीबी देख चुके हैं, धरती से जुड़े हैं, वो लाइफ में ऊपर जा सकते हैं। और कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि वो पैदा ही पैराशूट पे होते हैं, पैराशूटर बन के पैदा होते हैं, मतलब अंबानी के घर में पैदा हुए। तो उनको उनको अगर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो तो वो पैराशूट को रॉकेट बना लेते हैं, वरना वो हमेशा ज़मीन की तरफ ही आते हैं। तो पैराशूटर्स हमेशा ग्रास रूटर्स बनने को आते हैं, और ग्रास रूटर्स की नज़र हमेशा पैराशूट की तरफ होती है, यानी कि आसमान की तरफ। तो ये सीरीज जो थी वो ग्रास रूटर के साथ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब ये मंथ, सॉरी मैं बार बार गड़बड़ हो रहा हूँ, मंथ, और जो ये मंथ कल एंड हुआ, ये पैराशूट बन के एंड हुआ। तो पैराशूट बन जाओगे तो पैराशूट कहाँ आता है दोस्तों, वापस पैराशूट की नज़र कहाँ रहती है, धरती की तरफ, और ग्रास रूटर की नज़र कहाँ रहती है, आसमान की तरफ। तो आसमान, ये मंथ जो था जुलाई का, वो ग्रास रूटर बन के स्टार्ट हुआ और पैराशूटर बन के ख़त्म हुआ। तो अब जो अगस्त मंथ आएगा एक तारीख से, वो कहाँ पे स्टार्ट होगा, पैराशूटर बन के। क्यों, हम एकदम टॉप पे क्लोज किए हैं, पूरे मंथ के टॉप पे लास्ट डे की क्लोजिंग आई, मंथली क्लोजिंग भी कल आई थी। ठीक है, और एक्सपायरी तो आपको थर्सडे को आ गई थी, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं होता, मुझे मंथली चार्ट से लेन देन। और कल वीकली क्लोजिंग भी आई थी, तो वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली में भी बहुत ही बुलिश दिखा रहा है, ये बोलता है एक और डंडी ऊपर की तरफ बन सकती है 450 तक, क्योंकि यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर की तरह फॉर्मूला दिखा रहा है। तो 500 मैं नकार नहीं सकता हूँ, 17500 वो टॉप बन सकता है मैक्सिमम, लेकिन
जब तक 173 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक आप रिस्क टेकर लोग बुलिश कॉल भी नहीं ले। अब आ जाइए क्या इंपैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। देखिए डॉलर इंडेक्स कंट्रोल में आ गया, 106 की तरफ आ गया, बॉन्ड यील्ड 2.80 की तरफ आ गई, मुझे सब याद है क्योंकि अब मैं घर पे आ चुका हूँ, ठीक है। और क्रूड कल रात को पूरी वीक का नया हाई बनाया, 101 रुपया 80 पैसा, 101.101.80 WTI क्रूड, जो हमारी इंडिया इंपोर्ट करती है वो इंपोर्ट करती है ब्रेंट क्रूड, वो कल वीकली हाई बनाया। यानी कि क्रूड मुझे यहाँ से लगता है, तो मैं क्रूड की भी एक भविष्यवाणी आपको कर देता हूँ, क्रूड अगर अभी $98 पे है $91 का अगर आप स्टॉप लॉस रख सको तो टारगेट मैं देता हूँ $122 क्रूड की, 122 to 140 ये मेरा टारगेट है क्रूड का। मैंने कल उसका चार्ट बहुत ध्यान से देखा है, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आपके पास $7 खोने की क्षमता है, $91 स्टॉप लॉस डाल सकते हो, 98 अभी चल रहा है, ठीक है, कल की क्लोजिंग है, तो आप 122 से $140 की तेजी के लिए खेल सकते हो। 19 अगस्त को एक्सपायरी है उसकी क्रूड की, ठीक है, इतने ही दिन में आ जाएगा इतना तेजी, ये दिख रहा है मुझे 122 से 140, तो ये आपको मैं बता, तो ये अगर इस तरह से बढ़ेगा तो हमारा मार्केट अगस्त में बुरी तरह गिरेगा। मुझे जो तेजी लग रही है अगस्त में वो सिर्फ 3 तारीख तक लग रही है, कितनी मैक्सिमम 3 तारीख तक, क्यों, वो भी 173 के ऊपर क्लोजिंग आई तो तब हम ये लेवल देखेंगे, वरना यहीं से पैराशूट अपना काम स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये सीरीज हम पैराशूट की तरह एंड। अब आ जाते हैं कुछ बातें, एक जन ने कल मुझे लिख के भेजा, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, कोई विश्वेश्वरन है, विश्वेश्वरन चेन्नई से हैं, इनका ये नंबर था, इन्होंने लिखा आई हाय बेस्ड ऑन योर टिप्स बॉट 17 के अगस्त कॉल इन जून एंड आई मेड 1 लाख आउट ऑफ इट। मुझे आशा है इन्होंने 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं लगाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 25 हज़ार लगाया, 1 लाख बनाया। अब ये बातें ये भी साबित कर रहे हैं कि मैं चीख चीख के 17 जून को जब लो बना था, 17 जून को जब लो बना था, तब 15183, तब अगस्त का 17,000 का कॉल 76 में मिल रहा था और कल की रेट है मिल रहा था और कल की रेट है अगस्त का 25 अगस्त का कौन सा अगस्त 25th, ठीक है, कल की रेट है 418। अब ये कॉल नीचे भी गया था, मैंने आपको बार बार बोला था एवरेज मत करिएगा, भले ही नीचे जाता है अगर 30-40 रुपया से ज़्यादा नीचे चल जाता है आपकी रेट से तब एवरेज करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये 300 से 400 जाएगा, कल ये 418 तक गया। मैं इसका सबूत भी आपको दे देता हूँ और आपने सबने सुना होगा, मैं रोज बोलता था कुछ भी हो जाए आप अगस्त का 17,000 का कॉल ले लो, ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है, मैंने तो ये रहा हिस्टोरिकल चार्ट, 17 जून से ही देखते हैं हम लोग, है ना, क्यों 17 जून को ये कॉल मिल रहा था 74 रुपीज़ में, कितने में, ठीक है, 25 अगस्त 17,000 का कॉल, ये देखिए 17,000 का कॉल 25 अगस्त की एक्सपायरी 74 रुपीज़ में मिल रहा था, चलिए आपने 80 में ले लिया, उसके बाद 67 भी गया, 66 भी गया, 100 भी आया किसी दिन वापस, और इंटरेस्टिंग क्या है 15 जुलाई और 14 जुलाई को ये 46 पे था 14 जुलाई, ये देखिए 14 जुलाई यानी कि आज के सिर्फ 10-15 दिन पहले 46 पे था, करेक्ट, कितने पे था दोस्तों ये
4646 पे। ये आपके सामने मैं एनएससी की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, मेरे घर की वेबसाइट नहीं है, nscindia.com, ठीक है। और ये हिस्टोरिकल डाटा है आपके सामने, किसका, 17,000 के 90 दिन के हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। अब आपके सामने ये 46 से कल की डेट में ये 418 का हाई बना दिया दोस्तों, 46 का माल 418। अभी अगस्त महीना तो स्टार्ट ही हुआ नहीं है, अभी तो अगस्त महीना स्टार्ट ही नहीं हुआ मेरे दोस्तों। अब मैं आप लोग को बोलता हूं, यहां पे मैं खोल देता हूं सितंबर की, ठीक है, यहीं पे दिखा देता हूं आपको पुट। चलिए हम ज्यादा लंबी नहीं, 17,000 की पुट ही लेंगे, एक्सपायरी लिख लेते हैं इसकी 9वां महीना, यानी कि 29/9 को एक्सपायरी है, ठीक है, करेक्ट 29 सितंबर को एक्सपायरी है। 17,000 का पुट देखते हैं क्या रेट में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको 7 डेज कर लेते हैं, सत्रह हजार का पुट बहुत महंगा यार, अभी तो 580 नहीं, कल की रेट है 336, ये देखिए 580, मतलब ये पुट भी 750 से लेके अब 336 आ चुका है, कितना आ चुका है 336 में। लेकिन इतना भी कुछ लोग बोलते हैं सर 336 तो बहुत महंगा, चल बेटा तू एक काम कर, तू 16,500 का ले ले, 16,500 देख लेते हैं। ये सबके, ये मेरी जितने भी व्यूअर उनको पसंद आएगा, ये आपको 200 में मिल रहा है, ये अभी कल की डेट में 200 में मिल रहा है, और हो सकता है ये 150 तक भी आए, क्यों, क्योंकि एक बार निफ्टी 17,400 भी दिखा सकता है तो ये और गिर जाएगा। तो या तो इसको 150 आने दीजिए, ध्यान दीजिएगा, या तो इसको 150 आने दीजिए, या फिर 17,000 वाले को 336 चल रहा है उसको 250 आने दीजिए, दोनों में से कोई भी आपको दिख जाए एक एक लॉट ले लीजिएगा मेरी बात पे, मैं आपको दिखाऊंगा इनमें पैसे डबल तो कंफर्म होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 गुना भी हो सकते हैं, 5 गुना, जैसे उसमें तो 46 का 418 हो गया। अब मुझसे जो जो वेबिनार ले रहे हैं उन सबको पता होगा, मैंने सबको चीख चीख के बोला था कि आपको दिखेगा ऐसा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा, जुलाई महीना होता ही ऐसा, आपको लगेगा अब गिरेगा, लेकिन वो गिरता नहीं, ठीक है, क्योंकि जुलाई में ही इसने पूरी मूव कंप्लीट कर ली है, कुछ एक मूव बची है 200-250 पॉइंट की, वो अगस्त में कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद ये अगस्त महीना मुझे लगता है इस साल का सबसे वर्स्ट महीना होगा, महीना आप एक्सपायरी मत बोलिएगा, 25 तारीख को मत गिनिएगा, 31 अगस्त तक मैं आपको दिखाऊंगा कि पैराशूट धरती पे आया कि नहीं आया। तो मुझे तो लगता है इसमें धरती को भी फाड़ के शायद ये पाताल में घुस जाएगा, अगर आप सितंबर के पुट लोगे तो जैसे मैं पहले बोल रहा था वैसे ही आज बोल रहा हूँ, पहले कॉल दिला के ये बात बोल रहा था, अब पुट दिलाने के लिए, लेकिन मैंने कुछ कंडीशन आपको दे दिया, ये वीडियो को ध्यान से सुन के अपने कीमती कमाए हुए मेहनत के पैसे डालिएगा। अब रही बात आने वाले दिन में क्या है, आरबीआई की मीटिंग है, आरबीआई की मीटिंग 3-5 तारीख को है, पहले 2-4 तारीख को होने वाली थी, 2-4 अगस्त, लेकिन उसको एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, अब 3-5 तारीख को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट का आउटकम आएगा, हमारे शक्तिकांता दास साहब जो कि हमारे आरबीआई के गवर्नर है, वो हमको रेट हाइक होगी या नहीं होगी वो 5 तारीख को हमको डिक्लेयर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली पॉलिसी 10 से 11 बजे के बीच में आती है आजकल, ठीक है, मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं, 10:30 या 11 आएगी, उस पर ध्यान रखिएगा। तो मुझे अब बैंक निफ्टी लीड करते हुए दिखेगा वीकनेस की तरफ, मुझे लगता है बैंक निफ्टी जो 38,000 के तरफ चल रहा है अभी, 37,800 का कल हाई बनाया, तो वो मुझे लगता है 35,000
के नीचे चला जाएगा अगस्त महीने में, 35,000 के नीचे चला जाएगा। दैट्स इट, मैं अभी यहाँ ही पे एंड करता हूँ। अब अगला एक वीडियो बनाऊंगा मैं वेबिनार के लिए, उसके लिए भी बोल देता हूँ कि मेरी वेबिनार 3 महीने की होती है दोस्तों। तो अभी एक चालू है जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में वो ख़त्म हो जाएगी। ऑलरेडी मैं अभी तक अप्रैल मई जून वालों को भी क्लास दे रहा हूँ, उनकी ग्रुप भी अभी ख़त्म नहीं किया। ऑल्दो लास्ट वीक में उनको कुछ दे नहीं पाया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बिजी था, लेकिन उनको भी ऐसा नहीं कि भैया आपकी क्लास ख़त्म हो गई जय श्री राम, नहीं, और कुछ सिखाना था वो भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पैसा लिया ऐसा नहीं कि खाली बस हो गया काम, जैसे तो ये काम है अपना। अब जो वेबिनार है उसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर मैं इस वीडियो में भी बताता हूँ, उसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगा। देखिए, जो लोग 5 तारीख को फीस, 5 तारीख 5 सितंबर तक फीस देंगे, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, अक्टूबर का पहला शनिवार जो भी आएगा वहां से स्टार्ट होगी। 1 तारीख को ही शनिवार, ठीक है। तो ये हमारी क्लास जो होती है वो शनिवार रविवार को होती है, रात को 8 बजे से 10 बजे तक या 9 बजे से 11 बजे तक, और इसके वीडियोस भी आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मिलते हैं, एक ग्रुप भी बना दी जाती है, प्लस आपको एक फ्री ऑप्शन ग्रुप में भी डाला जाएगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ग्रुप आपको 2 महीने के लिए डाला जाएगा। इसके अलावा और एक ग्रुप रहेगी आपकी स्टडी ग्रुप, जिसमें आपको वीडियोस भी डलेंगे, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर भी जवाब दिए जाएंगे, वो भी है। और जैसे कोई क्लास आपने मिस कर दिया, आपने बीवी के साथ होटल चले गए आज, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, ये वीडियोस आप एक हमको एक राइटिंग में लिख के दोगे कि हम कहीं पे भी शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। 25,000 रुपये फीस रहेगी अगर आप 5 सितंबर तक पेमेंट करते हो। कब तक? जो लोग जल्दी ज्वाइन करते हैं, जिनको विश्वास है कि मुझे कुछ सीखने मिलेगा, मेरी लाइफ चेंज होगी, वो 5 तारीख तक दे दोगे तो सिर्फ 25,000। एक्चुअल फीस है 35,000। कितनी है फीस एक्चुअल? 35,000। जो लोग 5 सितंबर तक पेमेंट करेंगे, 5 अगस्त तक जो लोग फीस दे देंगे उनको 25,000, 5 सितंबर तक जो लोग फीस देंगे उनको 30,000, और 5 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में जो फीस देंगे वो 35,000। 5 अगस्त तक जो लोग पेमेंट देंगे वो 25,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, 5 सितंबर तक जो लोग पेमेंट देंगे वो लोग 30,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, और 5 सितंबर के बाद जो पेमेंट करके ज्वाइन करेंगे वो 35,000 भरेंगे। ये आप अभी आपको एक डिटेल वीडियो भी आ जाएगा उसको। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मेरी पर्सनल सर्विसेज के लिए बहुत लोग लिखते हैं, तो वो मैं किसको ऐसे नहीं देता हूँ, बहुत सारे मेरे रूल्स होते हैं उसको फॉलो करने के बाद ही वो अलाउ करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय